तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपके पास यहाँ पर एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है भाषा भारती की, हिंदी की कक्षा 4 की, इसको जो है सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को, हिंदी की बुक है जो भाषा भारती कक्षा 4 की, इसको जो हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो हमारा पहला पार्ट है प्रार्थना, इसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, पूरा का बुक का जो है सॉल्यूशन आपको यहाँ पर हमारे इस चैनल पर यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम आपका पार्ट एक प्रार्थना यहाँ पर सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यहाँ पर कर लीजिए। तो पार्ट 1 प्रार्थना, चलिए हम बिना यहाँ पर टाइम वेस्ट किए आपका डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 पे आपका, तो यहाँ पर ये जो प्रार्थना वाला चैप्टर है इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो, बहुविकल्प प्रश्न प्रश्न सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो हमें इसमें सही विकल्प छांट कर लिखना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, कवि किसके किसके जल पवन अन्न माटी में पलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के। तो यहाँ पर आपको लिख देना है भारत के। इसके बाद इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ, रेखांकित शब्द का विलोम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकार। ठीक है, उपकार यानी बी वाला इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो तीसरे क्वेश्चन में हमें एक शब्द में उत्तर यहाँ पर देना है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिएगा इसको भी हम जल्दी से कम्प्लीट कराते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है जल्दी से कर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3 में पूछा गया है, तो हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10:30 बजे, यानी कि 10:30 बजे हमें जो अपनी स्कूल की प्रार्थना यहाँ पर करनी चाहिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वह कौन था जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और आपको क्वेश्चन में कितना है बापू जी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसमें देख सकते हो, यदि पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उसका सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, तो हे हंस वाहनी वाहनी ज्ञान दयानीन यानी अब विलम्ब, देख सकते हो, अब विलम्ब मति दे, इस पंक्ति में किसका किसकी आराधना की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पंक्ति में माँ सरस्वती की आराधना की गई है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको लेना है, इस पंक्ति में माँ सरस्वती की आराधना की गई है। इसके बाद हमारा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा है, तो अब आ चुके हैं हम यहाँ पर लघु उत्तीय प्रश्न की तरफ। तो हमें अब लघु उत्तीय प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करना है। तो प्रश्न का नंबर 7 में पूछा गया आपका, इस तो प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रार्थना कविता में कवि ने मातृभूमि की प्रकृति, इस तो पुरुष पशु सबको अपना सगा माना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न का नंबर 8वां पूछा गया, तो हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो, हमें अपने देश के लिए देश प्रेम का भाव रखना चाहिए व देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, अपने आराध्य की आराधना करने का क्या लाभ है। दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने आराध्य की आराधना करने से मनुष्य अधिक सुख शांति पाता है। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक नंबर 10वां आपका पूछा गया है, तो मेरी मातृभूमि है भारत में भारत के योग्य बनूं, इस पंक्ति से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, भारत मेरी मातृभूमि है, मैं इसकी रक्षा के लिए योग्य बनना चाहता हूँ। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट मैंने करवा दिया है प्रश्न क्रमांक नंबर 10वां। अब चलते हैं हम यहाँ पर दीर्घ उत्तीय प्रश्न की तरफ। तो इसको इनको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 11वां क्वेश्चन आपका पूछा है, तो मातृभूमि से आप क्या समझते हो, इससे संबंधित कोई एक कविता लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग एकदम करेक्ट आंसर देख लीजिए, मातृभूमि का अर्थ है हमारी जन्मभूमि, जहाँ हम जन्म लेते हैं और रहते हैं, मुझे अपनी मातृभूमि भारत पर गर्व है। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और इसके बाद आपको इसमें कविता भी लिखनी है, तो कविता आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। लिख दो मातृभूमि से आप क्या समझते हो ये लिखना है, और इससे संबंधित एक कविता लिखनी है। तो मातृभूमि से आप क्या समझते हो ये तो हमने लिखवा दिया है, अब इस पर हम एक कविता भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो कविता में आपको लिखना है, मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं, वीरों की पावन धरती को शीश झुकाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने प्रश्न क्रमांक नंबर 11 भी आपका करवा दिया, एकदम इसका भी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक नंबर 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक नंबर 12 में पूछा है, तो प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने प्रार्थना कविता पाठ से क्या सीखा उसके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए गाइस, इसका भी एकदम करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो, प्रार्थना कवि पाठ से हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं जिससे हमें सुख शांति का अनुभव प्राप्त होता है। हमने प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना बनाना सीखा एवं प्रकृति का अनुभव किया एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ करने के भाव जागृत हुए। तो ये जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक नंबर 12 का। तो ये भी हमने इसका एकदम करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पार्ट नंबर 2 को यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इस